राम का कुछ स्नैक्स ले लिए, या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, हटसन का यूज़ कर रहे हैं, पनीर यूज़ कर रहे हैं, या बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जिसको आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। लेट्स से आप उसके बाद ड्रेसअप करते हैं, तो ड्रेसअप करने में आप जो कपड़े पहनते हैं, तो कपड़े में ट्रेंड्स अवेलेबल है। ट्रेंड्स के अगर आप शेयर्स को देखेंगे तो पिछले 2-3 साल में बहुत बड़ा स्ट्रेंथ मिला है ट्रेंड्स को। उसके बाद आप जा रहे हैं ऑफिस के लिए, तो आप बाइक ले रहे हैं, तो बजाज का बाइक होगा आपके पास। अगर बजाज का नहीं है, हीरो का बाइक होगा। अगर आप बाइक से नहीं जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, तो आपके पास मारुति का कार होगा। जैसे मारुति का कार नहीं है, किया का कार है, या फिर आपके पास रेनॉल्ट का कार है, तो आप पहले देखिए कि आपके पास जो कार है वो कितना रिलायबल है और वो उसका शेयर्स का क्या परफॉर्मेंस है। क्योंकि इंडिया में अगर 2 कार सेल होता है, तो उसमें से एक कार जो होता है वो मारुति सुजुकी का होता है, तो मारुति का होता है। तो बेसिकली मारुति के शेयर्स में आप देख सकते हैं पिछले कितने अच्छे रिटर्न्स मारुति के शेयर्स ने दिया है। लेट्स से आप ऑफिस के लिए निकल गए, कार यूज़ कर लिया, उसके बाद कार में आप कार या बाइक जिस चीज़ से भी गए हैं, उस आप किसी पेट्रोल पंप पर रुकेंगे, वो पेट्रोल पंप किस चीज़ का है, BPCL का है कि रिलायंस का है, आप किस, तो उनमें आप पैसे लगा सकते हैं। उसके बाद आप पेट्रोल पंप के बाद ऑफिस पहुंच गए, वहाँ के ऑफिस आप देख रहे हैं, ऑफिस में आप क्या करते हैं, बेसिकली आप किस सेक्टर में काम करते हैं, या किस आपका प्रोफेशन क्या है, उस प्रोफेशन में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी क्या है, उस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। डे टू डे लाइफ में आप जिन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट को आप अगर पसंद कर रहे हैं, इफ़ यू लाइक द प्रोडक्ट यू विल लव द शेयर फॉर दैट प्रोडक्ट, आई एम टेलिंग यू। वन मेजर रीज़न हेयर इज़ कि अगर मान लीजिए आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको उसका फंडामेंटल पता होना चाहिए, उसका बिजनेस मॉडल पता होना चाहिए, वो बिजनेस क्या करता है, वो शेयर क्या करता है, ये पता होना चाहिए। और उसके साथ अगर आप विजनरी को देखेंगे, अगर आप लॉन्ग टर्म चीज़ों को देखेंगे, तो आप अच्छा पैसा बना पाएंगे। ये सारा बहुत लॉजिकल सा रीज़न है, बहुत लॉजिकल सा फंडामेंटल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें इस इन सब शेयर्स में अवेलेबल है। उसके बाद अगर मान लीजिए आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ऑफ कोर्स शेयर मार्केट में जितना ज़्यादा रिवॉर्ड है उतना ज़्यादा रिस्क भी है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो शेयर मार्केट का होता है वो एक साथ चल रहा होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शेयर मार्केट में सेम होता है। तो अगर मान लीजिए आप जो रिवॉर्ड आपको शेयर मार्केट दे रहा है, उतना रिस्क भी शेयर मार्केट में होगा, डेफिनेटली होगा। तो आप इसके लिए शेयर मार्केट में आप अगर किसी कंपनी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी में ही रिस्क इन्वॉल्व है, कंपनी पे ही रिस्क मिलता है, तो अगर आप कंपनी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो आप ETF में बाय कीजिए, आप इंडेक्स फंड बाय कीजिए। देखिए इंडेक्स फंड क्या होगा, आप अपनी कंट्री पे भरोसा कीजिए। एक कंपनी, कोई भी एक कंपनी परफॉर्म नहीं कर सकती, या एक कोई कंपनी जीरो हो सकता है, पर कंप्लीट मार्केट जो इंडिया का पॉपुलेशन है, वो कंप्लीट पॉपुलेशन कल से मार्केटिंग करना बंद कर दें या कैश फ्लो होना बंद हो जाए, ये असंभव चीज़ है। शेयर मार्केट में माना जा सकता है कि एक पर्टिकुलर शेयर जीरो हो सकता है, अच्छा से अच्छा शेयर, चाहे जितना अच्छा उसका बिजनेस मॉडल हो, किसी टेक्निकल रीजन के कारण वो शेयर जीरो हो सकता है, वो बिजनेस बंद हो सकता है। पर जो आपकी कंट्री का इकोनॉमी है ना, वो नहीं बंद हो सकता। जो आपके कंट्री का कंप्लीट सेटअप है ना, वो नहीं बंद हो सकता। तो आप अपने कंट्री के सेटअप पे जब चीज़ों को यूज़ करेंगे ना, अगर आप मान लीजिए अपने कंट्री पे पैसा लगाएंगे, अगर आपको लगता है कि आपके इंडेक्स फंड जो होते हैं, जैसे जैसे क्या होता है ना कि आपके कंट्री में टॉप 50 जो शेयर्स हैं, जो टॉप 50 कंपनीज है, उन टॉप 50 कंपनीज का एक बास्केट है Nifty 50। तो हो सकता है कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो शेयर कल को जीरो हो सकता है, मान लिया गया, पर आपका कंप्लीट इंडेक्स जीरो नहीं होगा, आपका Nifty 50 कभी भी जीरो नहीं होगा। Nifty 50 का अगर आप ग्राफ पिछले 40 साल का भी ग्राफ आप उठा के देखेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि वो सिर्फ बढ़ ही रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 20 साल, 25 साल का, जितने साल का भी ग्राफ अगर आपके पास अवेलेबल है, 25 साल का ग्राफ गूगल में आपको मिल जाएगा Nifty 50 का, 25-30 साल का ग्राफ, 35 साल का ग्राफ आपको मिल जाएगा। तो 30 साल से आप देख रहे हैं वो ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। तो Nifty 50 में आप इन्वेस्ट कीजिए, सेंसेक्स में आप इन्वेस्ट कीजिए, आप अपने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए, आप छोड़ दीजिए, आप